हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा था। अब आप लोगों के पास है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2। आप लोगों ने क्या करनी है, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग लेट सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। देन आप लोगों ने साइन इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में सेंड किया, तो आप लोगों के पास -1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू फंक्शन है ना, तो अपॉन में जाएगा और उसे चेंज करोगे आप लोग तो साइन बन जाएगा। अब आप लोगों के पास राइट हैंड साइड में साइन एक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में 1/2, तो आप लोगों के पास राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन आएगा उससे लेफ्ट हैंड साइड से भी क्या करोगे, चेंज कर दोगे। यानी कि हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड में साइन एक्स है, तो इस 1/2 को भी आप लोग साइन की टेबल में ही ढूंढोगे। तो माइनस एज इट इज 1/2 साइन में कब होता है, साइन 30 की वैल्यू यानी कि π/6 इज इक्वल टू साइन एक्स। देन आप लोगों के पास माइनस साइन π/6 को पुट कर सकते हो साइन -π/6 बाय प्रॉपर्टी इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल, तो -π/6 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, -π/6। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोगों के पास साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स में एक्स बिलोंग्स टू -92 + 90। तो देखो इस एक्स की वैल्यू -π/6 यानी कि -60, तो -60 आप लोगों के पास क्या है, इसके बीच की वैल्यू है यस। तो आप लोगों के पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज π/6 -π/6। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2। अब आप लोगों को इसे चेंज करना है। फर्स्ट में आप लोग क्या करोगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स। देन √3/2 एज इट इज, कॉस इनवर्स आप लोगों के पास राइट हैंड साइड में कॉस बन जाएगा कॉस एक्स। देन कॉस एक्स की वैल्यू √3π/2 यानी कि आपको क्या करना है, √3/2 को कॉस में चेंज करना है। तो √3/2 कॉस में कब होता है, कॉस π/6 में, यानी कॉस π/6, कॉस 30 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई, π/6। अब देखो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज क्या होती है, सिंस कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू, रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, ओपन ब्रैकेट 0 to π, सॉरी ओपन नहीं क्लोज ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट 0, π। तो 0 से π के बीच में आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आप लोगों के पास, 60। एक्स की वैल्यू क्या आप लोगों के पास, 60। तो आप लोगों के पास 0 से π के बीच में ये लाई करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, कॉस इनवर्स की π/6, ठीक है ना। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6।
इसी में आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप लोगों के पास सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इसी टाइप से आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसी की टेबल की वैल्यू के साथ क्या कर देनी है, कंपेयर कर देनी है, फिर आपको प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है उसकी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देता हूँ इसमें, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के पास है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, इसे समझना बच्चों, ठीक है ना। फर्स्ट में आप लोगों के पास स्टेप है, लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स आप लोगों के पास राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा कॉस एक्स। देन आप लोगों के पास कॉस एक्स को 1/√2 के कंपैरिजन करें तो 1/√2 कॉस की टेबल में कब होता, माइनस एज इट इज कॉस पाई बाय 4, कॉस 45 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती है, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज। फिर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है, माइनस कॉस पाई बाय 4 को आप लोग लिख सकते हो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज कॉस 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, देन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाई 4। अब आप लोगों के पास कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू, रेंज क्या है कॉस की, 0 to π। तो चेक करते हैं हमारे पास 3π/4 आप लोगों के पास इन दोनों के बीच की वैल्यू है या नहीं। देखो पाई यानी कि आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 3 × 180 अपॉन 4, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 45, और 45 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 135। और 135 आप लोगों के पास क्या, 0 to π/y के बीच में बिलोंग करता है ना। देखो 0 to π/π यानी कि 180, तो 0 से π 180 के बीच में आप लोगों के पास क्या, 135। तो आप लोगों के पास therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इज 3π/4।